तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल में। और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा इंडियन प्रीडेटर के एपिसोड 2 को। एपिसोड 1 के एक्सप्लेनेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। चंद्रकांत झा अब तक पुलिस की गिरफ्त से इसलिए दूर था क्योंकि जिन लोगों का वो मर्डर करता था वो उनकी गर्दन ही काट देता था, जिसके चलते पुलिस उन बॉडीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाती थी। अब एपिसोड 2 की शुरुआत होती है जहां अब चंद्रकांत को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। अब पुलिस चंद्रकांत से जानना चाहती है कि वो ये सब क्यों करता था। अब थाने में वो बताता है कि वो सुंदरलाल को पहले से जानता है और अगर उसे थाने में पीटा नहीं जाएगा तो वो सब बताने को तैयार है। तब सुंदरलाल कहते हैं कि उसे कोई नहीं मारेगा। अब चंद्रकांत अपनी कहानी बताता है। वो बताता है कि उसके 5 भाई थे। वो बिहार के गोसाई गांव में रहता था। उसकी माँ स्कूल में टीचर थी लेकिन उन्होंने उसकी परवरिश अच्छे से नहीं की और ना ही उसे पढ़ाया लिखाया, इसलिए वो उसके घर वालों को छोड़कर दिल्ली काम की तलाश में आ गया। उसने आजादपुर मंडी में एक मजदूर के रूप में काम किया जहां एक बार वहां के मालिक के साथ उसका झगड़ा हो गया था जो मजदूरों से वसूली किया करता था। लेकिन चंद्रकांत ने उसे पैसे देने से मना कर दिया और एक चाकू से उसके हाथ पर वार कर दिया जिसके कारण उसे जेल में डाल दिया गया था। लेकिन साथ ही वो इस बात से भी गुस्सा था कि इसके लिए पुलिस ने उसकी पत्नी को भी जेल में डाल दिया था जिसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, वो तो वहाँ पर थी भी नहीं। उसी दिन चंद्रकांत ने ये फैसला कर लिया था कि जब भी वो जेल से बाहर आएगा वो उसके मालिक यानी पंडित को मार देगा। अब जेल से निकलते ही चंद्रकांत ने 1998 में पंडित की हत्या कर दी थी और वापस जेल में चले गया था। लेकिन उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत ना होने के चलते उसे 2002 में रिहा कर दिया जाता है। उसके बाद वो अपनी बीवी बच्चों को अलीपुर में रखता है और वो हैदरपुर में रहता है और वहीं पर से सारी हत्याएं करता है। एक्सपर्ट बताते हैं कि उन 4 सालों के दौरान तिहाड़ जेल में उसका समय बहुत कठिन था और इसके कारण उसमें पुलिस के प्रति गहरी नफरत पैदा हो गई थी। इसके अलावा एक सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक रूप से वंचित जीवन ने उसके अंदर हिंसा की प्यास पैदा कर दी जिसके कारण वो एक किलर बन गया। चंद्रकांत अपने कन्फेशन में बताता है कि जिन लोगों की उसने हत्याएं की उनकी आदतें अच्छी नहीं थी। चंद्रकांत पहले उन लोगों से दोस्ती करता था, उन्हें खिलाता था पिलाता था और बाद में उनकी हत्या करता था। अब वो 2006 में किए गए मर्डर के बारे में बताता है जिसका नाम अनिल मंडल था। चंद्रकांत उसे अपने भाई की तरह मानता था लेकिन वो चंद्रकांत के पैसे खर्चा किया करता था और एक दिन वो चंद्रकांत की बेटी को बहलाकर अपने साथ ले गया था और ये बात चंद्रकांत को अच्छी नहीं लगी, इसलिए उसने अनिल को मार दिया और उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए जहां उसने उसके सर को यमुना में बहा दिया और बॉडी को उसने तिहाड़ जेल के सामने रख दिया। अब वो अपने दूसरे मर्डर के बारे में बताता है जिसका नाम उपेंद्र था। उपेंद्र को नौकरी से निकाल दिया गया था, चंद्रकांत ने उसे अपने साथ रखा था, वो उसका खर्चा भी उठाता था। लेकिन उपेंद्र अक्सर चंद्रकांत से झगड़ा किया करता था इसलिए उसने उसे भी मारकर उसकी बॉडी को तिहाड़ जेल के सामने रख दिया था और सर यमुना में बहा दिया था। पुलिस के जिस शख्स ने उस बोरी की रस्सी काटने में मदद की थी वो चंद्रकांत ही था। वो बताता है कि जब वो जेल में था तब बलबीर नाम का एक हेड कांस्टेबल उसे वहाँ पर बहुत टॉर्चर करता था। दरअसल उसकी नजरों में पुलिस वाले निकम्मे थे और वो अपना काम ठीक से नहीं करते थे। वो बताता है कि तीसरा खून उसने दिलीप का किया था क्योंकि वो अक्सर चंद्रकांत से झूठ बोलता था और उसको झूठ से सख्त नफरत थी, इसलिए उसने दिलीप को भी मार दिया था। उसका सर भी उसने यमुना में बहा दिया था लेकिन इस बार उसके बॉडी पार्ट्स उसने अलग अलग जगह फेंके थे। अब चंद्रकांत के गांव के एक आदमी को हम देखते हैं जो बताता है कि चंद्रकांत की माँ झगड़ालू टाइप की थी इसलिए सभी बच्चों ने अपना ख्याल खुद रखा। बाद में जब चंद्रकांत दिल्ली काम करने आ गया था तो मोहल्ले के एक गुंडे से उसका झगड़ा हो गया था और उस गुंडे ने चंद्रकांत के पेट में चाकू मार दी थी। तब उसका एक साथी चंद्रकांत को हॉस्पिटल लेकर गया था। ठीक होने के बाद चंद्रकांत ने कराटे सीखे और कुछ ही दिनों में उसने उस गुंडे को मार दिया। वो आजादपुर मंडी में सब्जियों की बोरियां चुरा लेता था और अपने दोस्तों को बेचने के लिए दे देता था। उससे जो पैसे आते थे वो उससे उसके दोस्तों को खिला पिला देता था लेकिन वो उन्हें पैसे नहीं देता था। लेकिन जब वो लोग उसका भरोसा तोड़ते थे तब चंद्रकांत उनकी हत्या कर देता था और इस तरह उसने पूरी 7 हत्याएं की थी। लेकिन ये सब उसने जज के सामने कबूल नहीं किया था क्योंकि वो ये जानता था कि पुलिस को दिया हुआ स्टेटमेंट कोर्ट में मान्य नहीं होता। अब चंद्रकांत अरेस्ट तो हो गया था लेकिन कोर्ट में साबित करने के लिए उनके पास कुछ सबूत नहीं थे, इसलिए अब पुलिस यमुना में फेंकी गई खोपड़ियों की तलाश में जुट जाती है। चंद्रकांत भी पुलिस को बता देता है कि उसने कहां पर सर फेंके थे। अब एक कुत्ते को सुंदर सिंह देखते हैं जो नदी पार कर रहा होता है तो वो ये सोचते हैं कि अगर कुत्ता नदी पार कर रहा है तो जरूर वो सर भी किनारे पर ला सकता है। और जब नदी किनारे तलाश शुरू होती है तो उन्हें एक खोपड़ी मिलती है। चंद्रकांत बताता है कि ये खोपड़ी दिलीप की है लेकिन खोपड़ी पूरी तरीके से ड्राई थी, मतलब उस पर जरा सा भी मांस या खून नहीं था और दिलीप का मर्डर चंद्रकांत ने कुछ दिन पहले ही किया था, इसलिए चंद्रकांत की बातों पर पुलिस को भरोसा नहीं होता। अब पुलिस चंद्रकांत के हैदरपुर वाले घर पहुंचती है जहां उन्हें 3 चाकू मिलते हैं और खून के कुछ निशान भी मिलते हैं। वहां उन्हें एक फोन भी मिलता है और ये वही फोन था जिससे चंद्रकांत पुलिस को कॉल किया करता था।
नेक्स्ट सीन में हम असली चंद्रकांत की वीडियो क्लिप देखते हैं जब उसे कोर्ट से बाहर लाया गया था। वहाँ पर वो मीडिया से कहता है कि वो हमेशा गलत न्यूज ही छापते हैं। रिपोर्टर्स के पूछने पर कि उसने अब तक कितने खून किए हैं, चंद्रकांत कहता है कि वो इसका जवाब उन्हें नहीं देगा। एपिसोड के लास्ट में हमें कुछ फोटोज दिखाए जाते हैं जो चंद्रकांत खुद मर्डर करने के पहले खींचता था। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।